నువ్వు అమ్మి అమ్మి అంటే నీ పెళ్ళాన్నై పోయినట్టుందిరా సామే నా సామే నిన్ను సామే। तो फाइनली दोस्तों पैन इंडिया में रिलीज होने वाली इस साल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म पुष्पा के तीसरे गाने सामी सामी को आज तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम वर्जन में रिलीज कर दिया गया है और इस गाने को दोस्तों ऑडियंस काफी पसंद भी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पहली पैन इंडिया फिल्म पुष्पा, जिससे कि वो पैन इंडिया में अपना डेब्यू करने वाले हैं। इस फिल्म को दोस्तों हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में ऑल ओवर इंडिया में 17 दिसंबर को रिलीज किया जाना है, जिसका आज तीसरा गाना सामी सामी रिलीज किया गया। दोस्तों इस गाने के बीट्स बेहतरीन है, सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के बीच की केमिस्ट्री और उनके डांस भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके जो लिरिक्स है वो तेलुगु में काफी अच्छे हैं। यही वजह है दोस्तों कि इस गाने को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। लेकिन दोस्तों इस गाने को हिंदी में रिलीज क्यों नहीं किया गया, इस बात की अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के गाने को लेकर एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि दोस्तों हिंदी में इस गाने को इसलिए रिलीज नहीं किया गया क्योंकि दोस्तों हिंदी में इस गाने की जगह आपको एक आइटम नंबर सुनने को मिलने वाला है, जिसमें नोरा फतेही और सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर इस गाने पर नाचते हुए नजर आएंगे। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 17 दिसंबर को रिलीज किया जाना है, लेकिन अभी तक भी इस फिल्म के जो हिंदी डबिंग राइट्स है वो किस प्रोड्यूसर ने और किसने लिए हैं, इस बात की भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। कल ही सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने एक मूवी इवेंट में सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी की तारीफ की और कहा कि दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए सभी को सिनेमाघर जाना चाहिए। सूर्यवंशी दोस्तों धर्मा प्रोडक्शन की एक बड़ी फिल्म है और यही वजह है दोस्तों कि अंदाजा लगा जा रहा है कि पुष्पा को हिंदी में धर्मा जैसा बड़ा प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस कर सकता है। और दोस्तों वो अगर इस फिल्म को प्रोड्यूस करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है तो दोस्तों यहाँ पर पुष्पा के लिए काफी बड़ी बात रहेगी, क्योंकि धर्मा जब भी कोई फिल्म को लेकर आता है उसका प्रमोशन जोर शोर से होता है और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट या फिर सुपरहिट हो जाती है। बाहुबली को भी दोस्तों धर्मा ने ही हिंदी में प्रोड्यूस किया था। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर धर्मा के साथ पुष्पा फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में रिलीज होती है तो इस फिल्म को ऑडियंस किस तरह से पसंद करेगी और क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर हो पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ के अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।